नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी वर्तमान में मैं अपनी गाड़ी में स्कॉर्पियो में इस रोड पे चल जा रही है नागपुर की ओर, और इस रोड के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि इस रोड में क्या खासियत और क्या खूबसूरती है। इतना प्यारा रोड बनाया गया है कि जब भी आप इस जगह पे आएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस रोड में चलते ही जाएं, कहीं आपको कोई ब्रेक ही ना मिले, क्योंकि ये भारत की ऐसी पहली रोड से बनाया गया है जिसका साउंड नीचे की ओर नहीं जाता है, जिससे कुछ जानवरों को परेशानी ना हो। मैं अपनी गाड़ी में चल रहा हूँ, मेरे साथ अभी मेरा ड्राइवर अंकित परते चल रहे हैं। हम दोनों अभी इस रोड का वीडियो बनाते हुए साथ ही हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। खवासा आने वाला है। खवासा के पास एक बहुत बड़ा पैच नेशनल पार्क है, पिकनिक का स्पॉट है। आप कभी पैच आए तो ये जो रोड है ये खवासा से लेके कोरई के बीच में सिवनी की ओर जब जाते हैं हम तो वहाँ पे पड़ता है ये रोड, और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी फिलहाल आपको इस रोड को दिखाने का प्रयास करूंगा, जितनी मेरे पास जानकारी है उतनी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ आगे की रोड और बताता हूँ उसमें और क्या फैसिलिटी है और क्या सुविधा है, जिससे कि आपको ये रोड आने का बहुत अच्छा मन करे और ऐसा लगे कि आप अमेरिका की रोड में चल रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीरज बरघाट के नाम पर है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे सभी वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रोड का नजारा। सिवनी से नागपुर रोड है और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरती से इसको डिजाइन करके बनाया गया है। जैसा भी आप रोड देख रहे हैं, मैं इस रोड के बारे में आपको बहुत सी जानकारी दूंगा और बहुत सी चीज ऐसी बताऊंगा कि ये रोड की क्या खासियत है। अभी आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिरी तक देख के आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो में क्या है और इस रोड की क्या खासियत है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे रोड को, फिर मिलता हूँ मैं आपको आखिरी में। आज मैं आपको इतनी खूबसूरत रोड दिखा रहा हूँ। यह रोड जो है यह नागपुर से जबलपुर जाती है। अभी वर्तमान में हम चल रहे हैं जबलपुर से नागपुर की ओर। यह सिवनी से आगे पड़ती है, कोरई घाट कहलाता है ये। और वर्तमान में आप जो रोड देख रहे हैं यह रोड भारत की एक ऐसी रोड है जिसके नीचे बहुत घना जंगल है, और इस घने जंगल के नीचे जो जानवर रहते हैं, जो क्योंकि यहाँ से लगा हुआ पैच भी है जहाँ पर हमेशा टाइगर और कोई भी पशुओं का आना जाना लगे रहता है, क्योंकि ये पहले बहुत ही सकरा रोड था, लेकिन वर्तमान में जो इसको बनाया गया है, जो साउंड जो इसका वो पूरा नीचे की ओर नहीं जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो इसका साउंड है ये साउंड कभी भी नीचे नहीं जाता, कि जिससे कि किसी भी प्रकार का जो पशु है, जो जानवर है, उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो। इसलिए इस रोड को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। ये भारत का ऐसा पहला रोड है कि जिसमें इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी गई है। ये वर्तमान में अभी हम आपको लेके चल रहे हैं नागपुर की दिशा की ओर, और आप देख रहे होंगे कि आजू बाजू पे पूरा इसको पैक किया गया है। जो आप हरा हरा देख रहे होंगे ये जानवरों के लिए लगाया गया है, जिससे कि कोई जानवर वहां से कूद के स्तरप ना सके। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई है, बीच में डिवाइडर किया गया है। साउंड जो उसका रहता है वो साउंड बिल्कुल भी नीचे की ओर नहीं जा रहा है। आप अभी देख रहे हैं सामने बहुत घना जंगल दिख रहा है, ये पूरी पहाड़ियां रहती है, और इन पहाड़ियों के बीच में से ये रास्ते को काटा गया है। और ये रास्ता जब चलता है तो सीधे हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम पहली बार किसी अमेरिका की रोड में चल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की रोड शायद भारत में पहली रोड बनी है ये, जिसके बारे में हर जगह आपने देखा और सुना होगा। बहुत संघर्ष और सबके सहयोग से और शासन के प्रशासन के सहयोग से यह रोड का निर्माण किया गया है। अभी मैं आपको आगे और भी कुछ ऐसा दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा पूरा। ये मेरा चैनल है नीरज बरघाट। नीरज बरघाट को आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको यह वीडियो दिखेगा और भी अनेक वीडियो दिखेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
यह जो आप रोड देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा घुमावदार है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा घाट हुआ करता था, अभी उसको बहुत सा कम कर दिया गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहले आते थे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा घाट थी कि गाड़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम जाती थी। अब वर्तमान में आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का बहुत आराम से अपने अपने रास्ते में आना जाना लगे रहता है। जानवरों का भी कभी कभी इस रोड में मूवमेंट हो जाता है, कभी कभी शेर, तेंदुआ, चीते या कोई भी अन्य वन प्राणी जो रहते हैं वह भी इस रोड में कभी कभी आ जाते हैं। वर्तमान में भी हम चल रहे हैं और आगे और भी ऐसा बहुत सा घुमावदार रास्ता मिलेगा और यह रास्ता सीधे हमको लेके जाएगा नागपुर की ओर, कुरई के पास ले जाएगा, कुरई से आगे खवासा, खवासा से आगे हमको नागपुर। अभी मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखा रहा हूँ और आप देखिए और उसको शेयर करिएगा और कभी जरूर इस रोड का रुख लगाइएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अमेरिका की रोड भी फीकी लगेगी, इतनी खूबसूरत ये रोड बनाई गई है। और विश्व तो नहीं लेकिन भारत की सबसे प्रमुख और सबसे खास रोडों में इसका गिना जाता है, क्योंकि पहले कि इसके जो साउंड अभी हम चल रहे हैं हमारी गाड़ी में, इसका एक भी साउंड या कोई भी वाहन का साउंड नीचे की ओर नहीं जा रहा है। जंगल में इसका साउंड बहुत कम जाता है कि जिससे जानवरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस रोड को बनाया गया है। उन घाटों के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कुरई गांव है, जो कि एक कुरई ब्लॉक है, बहुत खूबसूरत है। और ये ब्लॉक एक अच्छा डेवलप एरिया है, आदिवासियों से संबंधित एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इसके नगर गांव है, यहीं पे बहुत खूबसूरती से हर व्यवस्था है, ये विश्राम गृह है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है। ये बरघाट विधानसभा के तहत ये कुरई गांव आता है। ये जब अपन घाट से निकलते हैं तो तब ये कुरई गांव आपको पड़ेगा, जब भी आप इस रोड में आएंगे तो आपको एक बहुत अच्छी ये शहर, ये गांव मिलेगा, जहाँ पर भी आप रुककर जलपान कर सकते हैं। और अब हम कुरई के आगे निकल रहे हैं और आगे भी देखते हैं कि और क्या व्यवस्था है, कौन सा गांव पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है, जिससे कि आप चल कल आए तो यहाँ पर आपको आने जाने में या रुकने में किसी प्रकार की खाने पीने में परेशानी ना हो। जैसे ही ये गांव खत्म होगा तो फिर से वापस उसी प्रकार की जो उसकी फेंसिंग है हरे प्रकार की वो लगा दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रोड का नज़ारा खूबसूरती से और बढ़ते जाएगा। बंदरों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना जाना रोड में कभी कभी बीच में हो जाता है, कभी कभी बड़े से जानवर भी इसको कूद के पार आ जाते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं इस रोड को, इसके आजू बाजू लगे जंगलों को, साथ में जो वाहनों का आना जाना लग रहा है, बीच में से डिवाइडर किया गया है, एक उस तरफ से वाहन आ रहा है, इस तरफ से वाहन जा रहे हैं। आगे चेक पोस्ट भी रहता है, जिससे कि जो यातायात के वाहन है, जो मालवाहक, उनका भी चेकिंग चलते रहती है। शासन प्रशासन भी अपने रूप में मुस्तैद रहता है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये लाइटों के खंभे लगे हैं। जब आप रात को यहाँ पर आएंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप रात को चल रहे हैं इस रोड में। ये बहुत खूबसूरती से जो बड़े बड़े खंभे आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रात को लाइट प्रकाश फेंकते हैं और बहुत खूबसूरती से उनको बनाया। जब आप इन रोडों से चलते जाते हैं तो आपको आगे चल के हर एक प्रकार की व्यवस्था मिलती है। बीच बीच में ढाबे हैं, होटल बनी हुई है, ढाबे की व्यवस्था है खाने के लिए, पेट्रोल पंप की व्यवस्था है, जिससे कि किसी प्रकार की कभी आपकी गाड़ी में कोई डीजल या पेट्रोल की जरूरत पड़े तो पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था यहाँ पर बीच में रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट रहता है, पंप लगे रहते हैं, हर प्रकार से व्यवस्था है। आगे चल रहे हैं तो हम टोल नाका पास में आ रहा है, जिससे कि हो सकता है कि हमारे फास्ट टैग जो है लगा हुआ आप देख रहे हैं, इससे हमारा अमाउंट कटेगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हमसे
बड़ी उम्मीद है हमको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स और शेयर करेंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं खवासा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खवासा गांव है। यहां पर भी एक अच्छी सब प्रकार की व्यवस्था है। ये खवासा हमारे सिवनी और नागपुर का जो बॉर्डर है लगभग उसके समीप है। ये शायद हमारे सिवनी जिले का लास्ट गांव पड़ता है। यहाँ पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है, रात को ये बहुत खूबसूरत लगता है जब पूरे लाइट जलते हैं तो ये गांव शहर में बदल जाता है। छोटा तबका है, एक अच्छा गांव है, जैसे कि पास से पैच नेशनल पार्क भी जाते हैं। आगे टोल लाका पड़ा है, अब हम देख लेते हैं कि हमको टोल वाले क्या व्यवस्था दे रहे हैं। ये पैच जाती है रास्ता जो आप देख रहे थे, ये आगे चल रहे हैं तो अब टोल आ गया है। कभी आप इस रास्ते में आएंगे तो आपको भी टोल पड़ेगा और फास्टैग रहेगा तो उससे पैसा कटेगा, नहीं तो नगद से दुगना लगेगा। अब हम देखते हैं कि हमारी क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि हमारा फास्टैग लगा हुआ है, इसके आधार पर ये आ गया। देखिए अब चूंकि हमारा फास्टैग लगा हुआ है उसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है, ये अब जाके खुला, इतनी देर खड़ा रखने के बाद भी खुला। और शासन बोलता है कि ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएंगे आप, लेकिन उसके बाद भी हमको टाइम लग गया। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ गए वहां से। ये पूरा जगह खाली है, कभी गाड़ी खड़ी करके आराम कर सकते हैं, जैसे ट्रक वाले लोग लाइन से खड़े हैं। यहाँ पे ये ढाबों की व्यवस्था है, माने इतना अच्छा नजारा है कि लोग इस रोड में जब ये बन रही थी तो बहुत से लोग सिर्फ रोड बन रही उसको देखने आते थे कि कैसी बन रही है। अब ये पूरी रोड बन के तैयार हो चुकी है, आवागमन शुरू हो गया है। जितना पहले हमको 4-6 घंटे 5 घंटे लगते थे नागपुर जाने में, अब वो 2.5 से 3 घंटे पहुंच जाते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं। अभी मौसम भी देखिए, बादल भी बना हुआ है। इस मौसम के बने हुए में हम चल रहे हैं। जिस रोड में मैं आपको अभी दिखा रहा था उसी रोड में बहुत मूसलाधार बारिश भी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि इतनी दूर दूर तक बारिश दिख रही है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना पड़ रहा है, आप भी हमेशा सावधानी बरत के रखें। आपको मौसम के साथ साथ इस खूबसूरत रोड का भी नज़ारा दिखा रहे हैं। ये डिवाइडर से बना हुआ है, दोनों तरफ के वाहन अपने अपने रास्ते से आ रहे जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, लोग टू व्हीलर से भी आना जाना करते रहते हैं। क्योंकि पहले जो रास्ता थी उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई है, इसलिए अब लोगों को आने जाने में नहीं होता। लेकिन तो भी एक डर लगे रहता है क्योंकि बीच में जानवरों का मूवमेंट इस रोड में आ गया था, तेंदुआ शेर कुछ का ऐसा मूवमेंट हुआ था। लेकिन प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है और जानवर भी खुद ब खुद चले जाते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ देखने में अगर असुविधा होगी क्योंकि गाड़ी चल रही है, कैमरा हिल रहा है, इसलिए हो सकता है, लेकिन हम आपको फिर भी इस खूबसूरत रोड का नज़ारा दिखा रहे हैं। अब आगे भी और देखते हैं कि क्या क्या है। अभी हम एमपी की जो बॉर्डर थी उससे हटकर हम महाराष्ट्र की बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि खवासा जो गाँव पड़ता है उस खवासा गाँव के बाद कुछ दूरी पर महाराष्ट्र की बॉर्डर शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र की बॉर्डर जैसी शुरू होती है तो वहां का पुलिस प्रशासन कुछ ज्यादा मुस्तैद और टाइट हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये बोर्ड लगा है, ये नागपुर मानेगांव करवई इस प्रकार से लेके जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से महाराष्ट्र की बॉर्डर यहाँ से शुरू हो गई। अब हम महाराष्ट्र की बॉर्डर में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ से जो है महाराष्ट्र शुरू जाता है, नागपुर शुरू जाता है, आगे आगे देवला पार पड़ेगा, मंसर पड़ेगा, कामटी पड़ेगा, ऐसे अनेक शहर पड़ते जाएंगे। और वहीं मंसर से एक रास्ता आगे जाती है रामटेक के लिए, क्योंकि जो रामटेक है कहा जाता है कि वहाँ राम भगवान के बहुत विशाल का मंदिर है, पहाड़ी पर बना हुआ है। उस मंदिर में ऐसे बताया गया है लोगों के द्वारा कि वहाँ राम भगवान जी जब निकले हुए थे वनवास की यात्रा में, उस टाइम पर उन्होंने वहाँ रामटेक में भी पहुँचे थे, उसी के कारण वो मंदिर बना है। फिलहाल हम चल रहे हैं इस रोड में
और अब आगे देखेंगे कि और क्या व्यवस्था है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नीरज भरघाट के नाम पे सर्च कीजिए। ये हम पहुंच गए देवला पार। ये देखिए ऊपर यहाँ पे बनाया गया है जिससे कि लोगों को आने जाने का ऊपर ऊपर से रास्ता है। और जो साउंड प्रूफ वाला जो रास्ता था वो रास्ता जंगलों में था, सिर्फ घाट में था, बैच का जो एरिया पड़ता उसमें था, कुरई खवासा के तरफ था, क्योंकि वहाँ पे घना जंगल था इसलिए वहाँ पर ये व्यवस्था थी। उसके बाद वो जो साउंड प्रूफ का जो रोड था वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये सामान्य रोड चालू जाता है, डिवाइडर वाला है, लेकिन ये भी रोड बहुत अच्छा है और ये पूरे नागपुर तक ऐसे ही रोड है और आराम से आपका आना जाना हो सकता है, गाड़ियों में टूट फूट कम होती है, पहुंचने का जो टाइम। मैंने अभी आपको इस गाड़ी के साथ और मेरे ड्राइवर के साथ मैंने भी आपको, क्योंकि मैं अभी जिस जगह की रोड आपको दिखा के लाया हूँ साउंड प्रूफ वाली है, साउंड प्रूफ रोड है जिसके कारण नीचे आवाज़ नहीं जाती, जानवरों की व्यवस्था वहाँ बनी रहती है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, उस प्रकार की रोड अभी मैंने आपको दिखाया। ये नागपुर जाती है रोड और शायद ऐसी मेरी जानकारी बोलती है कि ये भारत की पहली रोड है कि जिसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया। अभी मैं इस जगह खड़े होकर अब अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये रोड चलते रहती है, हो सकता है कि आपको कुछ साउंड मेरा कम ज़्यादा मिल रहा हो क्योंकि गाड़ियों का आना जाना लगा है, और बीच में भी हो सकता है कि गाड़ियों से मैंने आपको रोड दिखाया है तो कुछ जगह आपको देखने में असुविधा हो, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा चैनल है नीरज भरघाट, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करके मुझे बताइए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ, इस रोड के साथ, इस गाड़ी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भरघाट, जय मध्य प्रदेश।